गाइस, आज हम मंगोड़ी को माइक्रोवेव में रोस्ट करने जा रहे हैं। इसको माइक्रोवेव में रोस्ट करने से पहले हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। अगर आप साबुत रखना चाहते हैं तो साबुत भी रख सकते हैं। मंगोड़ी को तोड़ लेंगे। अब हम मंगोड़ी को ग्लास वाली प्लेट पर डालेंगे। अब हम माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे। माइक्रोवेव मोड सेलेक्ट करेंगे, 900 वोल्ट सेलेक्ट। टाइमर हम 4 मिनट का लगाएंगे। और माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम माइक्रोवेव को खोलकर देखेंगे। देखिए, हमारी मंगोड़ी थोड़ी हल्की ब्राउन होने लगी है। अब हम इनको थोड़ा चला देंगे। दो मिनट हो चुके हैं और हमारी मंगोड़ी थोड़ी रोस्ट हो चुकी है। इसे चलाकर हम फिर से माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। चार मिनट हो चुके हैं, अब हम माइक्रोवेव को खोल के देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगोड़ियाँ अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपकी मंगोड़ी थोड़े छोटे साइज की है तो जल्दी से रोस्ट हो जाएगी, इसलिए आप माइक्रोवेव का टाइमर 3 मिनट का लगाइएगा। अगर मंगोड़ी थोड़ी मोटी है तो आप माइक्रोवेव का टाइमर 4 मिनट का लगा सकते हैं।